हे वेलकम बैक टू रॉयल किचन। और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? मसाले वाली चने की दाल। आज हम बनाएंगे मसाले वाली चने की दाल। इसके लिए चने दाल होने चाहिए, चने दाल होनी चाहिए, टमाटर, टमाटर, प्याज, तेज पत्ता, लहसुन कटे हुए, मिर्चा, नमक जो कि स्वाद अनुसार होना चाहिए, और जीरा है, हल्दी है, हल्दी, नमक और जीरा, काली मिर्च पिसी हुई। तो हम स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। हमें सबसे पहले कुकर में तेल डाल लेना है और उसे गर्म कर लेना है। और सबसे पहले हमें क्या डालना है? तेज पत्ता डाल देना है। और बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत लोग मतलब बनवा भी रहे हैं। अर्णव और प्रियांश ने जीरा डालते बताया बहुत यमी था। तो हम एक नई चीज़ चालू करने जा रहे हैं अपने चैनल पे। अगर आपको कोई डिश बहुत अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताइए और हम आपको बुला के खिलाएंगे, ये हमारा वादा है। और इसमें हम क्या क्या डाल चुके हैं? जीरा डाले हैं, तेज पत्ता डाले हैं, फिर जीरा डाले हैं, अब हरी मिर्च डालते हैं। अब हरी मिर्च, इसकी जगह आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको जो पसंद है। और मिर्चा हमेशा की तरह आज फिर थोड़ा खटकता हुआ। और लहसुन है, लहसुन डाल देते हैं। मैं लहसुन डाल दिया, अभी में से इसको चला लेंगे। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कमी है, या आपको क्या मतलब पसंद है, आपको क्या बनाना है, वो हम बना के आपको दिखाएंगे। और जिनको जिनको खाना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम खिलाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं खिलाएंगे। प्याज डालते हैं, अब इसमें प्याज डालते हैं। और आप सब लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम अब रेगुलरली जल्दी जल्दी वीडियो आपके लिए डालने वाले हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसको हम लोग एक मिनट भूने थे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब टमाटर डालते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि मतलब लाल हो गया तो आप डाल दीजिए। एक मिनट इसको भून लेते हैं। ये टमाटर गल गए हैं मेरे, अब हम डालते हैं इसमें हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च। लाल मिर्च आप चाहिए डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। इसको भी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ। एक दीदी ने बताया था, और ये काली मिर्च और जीरे का, ये वही दीदी हैं जिन्होंने कमेंट करके बताया था कि मैं ही हूँ। और ये नमक, नमक आप अपने अनुसार डालिएगा। और इसको सब बढ़िया से चला लीजिएगा। तो एक मिनट और भूनेंगे हम, मतलब टोटल एक मिनट प्याज, एक मिनट टमाटर और एक मिनट ये, मतलब कि 6 से 7 मिनट तक टोटल ये प्रोसेस है। ये मसाला तैयार हो गया है, इसमें चने की दाल डाल देंगे। मसाला तैयार हो चुका है, अब चने की दाल इसमें हम डाल देंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अब खुद से ट्राई नहीं कर पाते तो बनवाइएगा अपने घर पे, अगर आप घर पे रहते हैं तो। बाहर रहते हैं तो आपकी मजबूरी है, बनाना पड़ेगा। इसको 2 मिनट धीमी आंच पे भूनते हैं। और इसे हम लोगों ने भून लिया है अच्छे से, और हल्का हल्का तेल भी छोड़ दी है। तैयार है बिल्कुल। इसको ऐसे नहीं खाना है, कुछ लोग मतलब अगर सोच रहे हो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, तो ऐसे नहीं। अब इसमें हम पानी डालेंगे क्योंकि दाल गलेगी नहीं ना। और जिनको दाल बिल्कुल नहीं बनाने आती है वो आप देख लो कितना पानी पड़ेगा कि दाल पूरी डिप हो जाए। थोड़ा सा होता है, मतलब जो सरफेस है दाल के आप अपनी उंगली से देख सकते हो कि मतलब थोड़ा ऊपर रहे उसका सरफेस। बस जैसे कि अगर मैं अंदर से कैसे दिखाऊं आपको, इससे दिखाता हूँ कि ये दाल यहाँ पे है इस सरफेस तक, और उसके ऊपर थोड़ा पानी है, यानी कि इतना सीधा डिप करके दिखाया देता हूँ। हम सीटी लगा देते हैं, तेज आंच पे एक सीटी आ जाएगी, फिर गैस हम धीमी कर देंगे। धीमी आंच पे कम से कम 3 सीटी आएगी, यानी कि गैस फुल रखें पहली सीटी पे, और पहली सीटी बोलते ही गैस धीमे कर दें और 3 सीटियाँ और बजवाएं, और सीटी बजवाते बजवाते लाइन नहीं मारनी है किसी को भी, सीटी बजानी है।
और आगे क्या करना है हम बताते हैं। ये तीन सीटी हो गई है, कुकर ठंडा हो गया है, हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। देखिए हम इसे बाउल में निकालते हैं और ऊपर से इसमें छौंक लगाते हैं। और ये दाल हमने बाहर निकाल ली है और इसको अब बस छौंकना बचा है, तड़का जिसे बोलते हैं। एक ही गरम हो गया, उसमें जीरा डालते हैं। ओह माय गॉड, वो छल रहा है। ये दो मिर्ची, थोड़ी सी हींग आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और इसको ऊपर से धनिया से गार्निश कर देंगे। और ये पूरी तरीके से तैयार है, अब आप इसे खा सकते हैं। और आगे मैं क्या बोलूँगा आप सभी को पता है और बाकी आप जान रहे हैं। थैंक यू, जल्दी ही नई वीडियो फिर मिलेगी आपको, और तब तक के लिए आप ट्राई कीजिए और खाइए और बताइए कैसी लगी कमेंट करके। थैंक यू एवरीवन।